अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सेकंड राउंड जो है वो 10 तारीख 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा टिप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़े से कुछ पॉइंटर्स वगैरह जिनके कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं, चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, कितने कॉलेजेस रखने हैं और कट ऑफ थोड़ा सा कितना जा सकता है। तो सभी पॉइंटर्स को हम वन बाय वन रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करेंगे कि सीट्स वैकेंट कितनी हैं, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल में 900 सीट्स वैकेंट है, उसमें जो है लगभग 700 के आसपास बाद में फिर वेरिफिकेशन में कुछ स्टूडेंट्स को पेंडिंग वगैरह कुछ हो कैंसिल हो गया, तो 700 टोटल स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनरल में जो है वो कंफर्म उनकी सीट हो गई है। तो उसके बाद प्रोफेशनल में 2400 कन्फर्म थे, फ्रीज़ किया था कॉलेज 2400 स्टूडेंट्स ने और 1900 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, बाकी 500 स्टूडेंट्स का कैंसिल हो गया, चाहे फिर वेरिफिकेशन में कुछ इशू कुछ किया तो कैंसिल उनकी सीट हो गई। तो जैसा ओवरऑल मैंने आपको बोला था पहले कि सेकंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट होती हैं, नियर अबाउट 3000 प्लस सीट्स जो है वैकेंट होती हैं या 3000 के आसपास भी वैकेंट हो सकती हैं। तो वैसा ही हुआ 2600 या 2400 के आसपास हम कहेंगे सीट्स वैकेंट है और 2600 सीट्स जो है वो फिल हो गई हैं। तो ये डाटा था जो AICTE की तरफ से आया है कि वैकेंट वगैरह कितनी सीट्स हैं, तो इसको हमने आपके साथ शेयर किया। तो अभी हम बात कर लेंगे कि चॉइस फिलिंग आपको किस तरह से करनी है ताकि आपका कॉलेज जो है वो अलाट हो जाएगा। तो देखो चॉइस फिलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे आपने पहले पर चॉइस फिलिंग की उसी तरह से करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको नज़र में रखना है, वैकेंसी स्टेटस जो है वहाँ पर चॉइस फिलिंग के टाइम आपको एक ऑप्शन होता है वैकेंसी स्टेटस का, वहाँ पे आपने उसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन इस बार उसको करना है आपको यस। जब आप वैकेंसी स्टेटस पे यस करेंगे तो उन्हीं कॉलेजेस का नाम नीचे आ जाएगा जिनमें सीट्स वैकेंट हैं और लास्ट पे उन पर लिखा भी होगा 5 में से कितनी सीट्स फिल हुई और कितनी सीट्स वैकेंट हैं। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, उसको फिल कर लेते हो, फिर क्या हो जाएगा, उसमें सीट्स फुल हो गई होंगी, आपको अलाटमेंट लिस्ट में वो कॉलेज अलाट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो है PMSS की सीट्स फिल हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी एडमिशन लेने में। तो इसलिए उसको आप यस कर लो, आपको वहाँ पर फिर आ जाएगा कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी क्या है, सब कुछ वहाँ पर आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको टारगेट रखना है कि बराबर 100 कॉलेजेस आपने रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट नर्सिंग करने वाला है उसके 100 आते हैं तो 100 रख लो, बॉयज़ के लिए उसमें कॉलेजेस कम है, 54 ही थे पिछली बार फर्स्ट राउंड में, अभी सेकंड राउंड में आप देख लो मे बी उसमें 100 हो जाएं, अगर ना 100 हुए तो 54 वो रख लो और उसमें बाकी जो है किसी दूसरी कोर्स के कॉलेज रख लो, जैसे फार्मेसी के रख सकते हो, जनरल के रख सकते हो, किसी भी कोर्स के रख सकते हो, 100 कर लो आप बराबर। और अगर कोई जनरल में स्टूडेंट है उसके कॉलेजेस नहीं हैं, 10 या 15 कॉलेजेस ही होते हैं, तो वो भी मतलब 2 या 3 या 4, अगर उसको 10 कोर्सेज भी बैकअप रखने पड़े तो 10 कोर्सेज रख लो और 100 कर लो बराबर, क्योंकि कट ऑफ जो है काफ़ी हाई हो जाता है और सीट्स भी बहुत ज़्यादा अभी वैकेंट, अभी 50% सीट्स ही फिल हो गई हैं, 50% सीट्स अभी वैकेंट हैं, तो कट ऑफ का भी आपको देख लेना है, कट ऑफ भी ज़्यादा होगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी पेंडिंग हैं। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कम है तो उनको क्या करना है। देखो जिनकी कम परसेंटेज है वो एक काम कर लो, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस रख लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रख लो अपनी मर्जी है, लेकिन मैक्सिमम आप प्राइवेट रख लो क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं एडमिशन के और उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो दोनों जगह पर आपको जो है फ़ी वगैरह सब कुछ AICTE प्रोवाइड कर लेगी। और अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में कुछ थोड़ी सी आपको फ़ी पे भी करना पड़े लेकिन कोई बात नहीं होती, जहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख की फ़ी होती है वहाँ पर अगर आपको 1 लाख 20 या 25 हज़ार AICTE देगी, फिर अगर आपको 10 या 15 हज़ार खुद भी देना पड़े तो कोई इशू नहीं है उसमें, यहाँ से तो 1.25 लाख आपको फ़ायदा ही आता है। तो उसके बाद जैसे फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उन्होंने कुछ ही सी कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे 10 या 15, फिर उनकी सिलेक्शन नहीं हो गई, फिर उनको मतलब प्रॉब्लम आ गई, उसमें परसेंटेज अच्छी होने की बावजूद भी कुछ स्टूडेंट की 90% 80% परसेंटेज होने के बाद भी उनको जनरल में भी कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, उनको उन्होंने कॉलेजेस ही बहुत कम रखे थे, तो कॉलेजेस कम रखने की वजह से उनको जो है किसी कॉलेज ने अलर्ट नहीं किया। तो फिर से मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल 100 कॉलेजेस रखने हैं, 100 से भी एक भी कम मत रखना आप। इस पे जो है उस टाइम भी मैं तो वीडियो बना लूँगा कि वो मतलब किस तरह से करनी है, लेकिन फ़िलहाल आप
टारगेट ये रख लेना कि 100 कॉलेजेस बराबर फिल होने चाहिए। तो अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ लगभग कितना हो सकता है इस सेकंड राउंड में। देखो जैसे फर्स्ट राउंड में ओपन में प्रोफेशनल के लिए 420-430 के आसपास गया, ओपन में उसी के आसपास रहेगा, एक या दो मार्क्स आगे पीछे, अब चार मार्क्स पांच मार्क्स आगे पीछे ज़्यादा नहीं हो जाए। बाकी जो कैटेगरी वालों का जो है 5-6-7 मार्क्स जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन क्लियरली कोई नहीं कह सकेगा कि क्या कट ऑफ होगा क्या नहीं होगा। कट ऑफ को आप सेकेंडरी रख लो, उसको साइड रख के आप बराबर टारगेट रख लो 100 कॉलेजेस रखने के, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी आ जाता है उसको रख लो वहाँ पे 100 रखने का। फिर जो है फिर आपका किस्मत है, फिर सिलेक्शन ना भी हो लेकिन फिर आपको ये ना पछताना पड़े कि यार काश अगर मैंने 100 रखे होते, काश अगर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस रखे होते मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो इस बात को भी आप दिमाग में बिठा लो, आप बराबर 100 कॉलेजेस रख लो, फिर देख लो ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही होगा, फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो कट ऑफ है, अगर कोई आपको बोलता है कट ऑफ इतना होगा 450-460, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं कह सकेगा अभी कट ऑफ कितना होगा। लेकिन लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से 4-5 मार्क्स पीछे ही हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, ओपन में तो कम ही आगे पीछे हो जाता है। फर्दर आपकी किस्मत है और आपकी चॉइस फिलिंग है वहाँ पे। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये था डाटा, जैसे सीट्स वैकेंट की और सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग वगैरह की टिप्स थे, ये हमने आपके साथ शेयर किए। इसके बाद भी हम इसको जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझा देंगे।